जैसा मैंने पिछले हफ्ते बताया था, ये क्लासेस मैं एक निश्चित रूपरेखा के आधार पर ले रहा हूँ। रूपरेखा कुछ ऐसी है कि हम बीच बीच में प्रैक्टिकल व्यावहारिक विषयों की चर्चा करेंगे, बीच बीच में उपदेश डॉक्ट्रिनल विषयों की चर्चा करेंगे, और बीच बीच में ऐतिहासिक बाइबल में जो इतिहास दिया है उसकी चर्चा करेंगे। और प्रभु ने मदद की तो मैं इन सब तीनों विषयों का ताना बाना ऐसे बांधूंगा जिससे कि ये सीरीज खत्म हो जाने पर बाइबल की 66 पुस्तकों में उत्पत्ति से लेकर बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य तक का इतिहास हमको मन में बैठ जाए। इसका कारण यह है कि बाइबल में जो उपदेश दिया गया है वो इतिहास के ऊपर आधारित है, और इसलिए इतिहास का जानना जरूरी है। इतना ही नहीं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब बाइबल की बातों को समझने के लिए बाइबल की जो पृष्ठभूमि है इतिहास, उसको समझना जरूरी है। पिछले कई क्लासेस में मैंने ये बात याद दिलाई थी कि मनुष्य पापी है, ये बात बताया था कि मनुष्य अपने आप को बचा नहीं सकता है, उसको एक मुक्तिदाता की जरूरत है। आज थोड़ा सा इतिहास मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ बाइबल से, कि यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, मनुष्य क्यों पापी है, किस तरह से पापी हुआ, क्या ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि जब की तो मनुष्य पापी था क्या। और आज के इस संदेश के लिए बाइबल की 66 पुस्तकों में से पहली पुस्तक के शुरू के 3 अध्यायों में से कुछ श्लोक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जिनके पास बाइबल हैं वे लोग खोल के देखें, लेकिन जिनके पास नहीं हैं वो लोग सुनते रहें, क्योंकि सारा पोर्शन मैं आपके सामने हिंदी बाइबल से पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप आराम से देख लेंगे, सुन लेंगे कि वहाँ क्या कहा गया है। बाइबल की पहली पुस्तक के पहले अध्याय के पहले पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, आदि में प्रभु ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बाइबल एक बात स्पष्ट बताती है कि ये जो ब्रह्मांड हम देखते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों सूर्य समान या सूर्य से बड़े तारे हैं, ये अपने आप नहीं आया है, बल्कि प्रभु ने आदिकाल में इसकी सृष्टि की। आदिकाल कब है, कितना पुराना है, इसके बारे में बाइबल में ही काफ़ी कुछ हम अनुमान लगा सकते हैं। बाइबल में कुछ बातें दी हुई हैं जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम बाइबल अध्ययन के समय देखते चले जाएंगे। आज इतना पर्याप्त है, ये सोचना पर्याप्त है कि ये हम अपने चारों तरफ जो ब्रह्मांड देखते हैं ये अपने आप नहीं आया है, प्रभु ने अपनी असीमित कृपा में इसकी सृष्टि की है। इसलिए लिखा है आदि में प्रभु ने या ईश्वर ने या परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और जब सृष्टि की तब पृथ्वी की क्या हालत थी, यह वहाँ लिखा हुआ है, पृथ्वी बेडौल थी, जैसे कुमार घड़ा बनाने के लिए मिट्टी का एक लौंदा हाथ में ले लेता है तो उसका कोई शेप नहीं होता है, बेडौल होता है, लेकिन आप उसको देखते चले जाएं तो वो उसको चाक पर रख के घूमते हुए चाक पर जब वो अपनी उंगलियों से उसको शेप देता है तो वो मिट्टी का लौंदा जो एकदम से बिना किसी शेप के था वो एक घड़े का शेप लेता है, सुराही का शेप लेता है, जग का शेप लेता है, जार का शेप लेता है। एग्जैक्टली इसी तरह से प्रभु ने इस आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब पृथ्वी की सृष्टि की तो उस समय पृथ्वी बेडौल, कोई शेप नहीं था, सुनसान पड़ी हुई थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, पृथ्वी पानी से कवर करके पूरी तरह से जो है पानी से कवर्ड था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। प्रभु ने इस पृथ्वी को मनुष्य के रहने लायक बनाने के लिए बहुत कुछ किया,
जो आगे के पदों में हम देखते हैं, तीसरे पद में, पहले अध्याय के तीसरे पद में हम देखते हैं, तब प्रभु ने कहा उज्याला हो, तो उज्याला हो गया। सर्वशक्तिमान प्रभु ने इस पृथ्वी को मनुष्य के लायक बनाने के लिए सबसे पहले मनुष्य को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है उसकी सृष्टि की, प्रकाश, उज्याला। मनुष्य इस पृथ्वी पर कम से कम 6000 साल से है, लेकिन इन 6000 सालों में मनुष्य ने जो प्रगति की है उसमें सबसे अधिक प्रगति पिछले 100 साल में की है, और इसमें प्रकाश का रोल, प्रकाश का हिस्सा बहुत है। आज दिन रात फैक्ट्रीज में जो काम होता है उसका कारण क्या है कि दिन रात एक समान हो गए, मनुष्य ने प्रकाश के लिए कृत्रिम रास्ता बना दिया है। प्रभु ने भी मनुष्य की सृष्टि जब की तो सबसे पहले प्रकाश की सृष्टि इसलिए की कि मनुष्य को इस पृथ्वी पर जीने के लिए सबसे अधिक जिस चीज की जरूरत है वो पानी नहीं, भोजन नहीं, उससे भी ज़्यादा प्रकाश की जरूरत है। हमारे आत्मिक जीवन में भी हमको सबसे ज़्यादा जरूरत प्रकाश की है, और इसीलिए हम बार बार प्रभु के वचन की तरफ वापस जाते हैं जिससे हमको रोशनी मिल सके। प्रभु ने प्रकाश को देखा कि अच्छा है, और प्रभु ने प्रकाश को अंधकार से अलग किया। हम जब भी प्रभु के वचन को खोलकर प्रभु के वचन से कोई भी बात पढ़ते हैं तो बार बार जो संदेश हम देखते हैं उसमें प्रकाश और अंधकार, अच्छाई और बुराई, भला और बुरा, धर्म और अधर्म, इसको अलग करके इसमें जो अच्छा है, जो भला है, जो धर्म है, उसको चुनने के बारे में प्रभु के वचन से प्रोत्साहन देखते हैं। और प्रभु ने इवन जब इस पृथ्वी की सृष्टि की तो वहाँ से लेकर हम देखते हैं कि वो जो अलगाव है, वो सेपरेशन प्रभु ने किया। प्रभु हमारे जीवन में भी प्रभु यही चाहते हैं। आगे जब हम उत्पत्ति के पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो एक एक करके प्रभु की सृष्टि की कथा स्पष्ट हो जाती है। पहले दिन प्रभु ने प्रकाश बनाया, दूसरे दिन प्रभु ने कुछ और बनाया, और बनाने के बाद, सृष्टि करने के बाद प्रभु ने देखा। बाइबल को जरा समय मिले तो जरा पढ़ के देखें। प्रभु ने देखा कि अच्छा है। प्रभु ने पेड़ पौधे बनाए, फल देने वाले पेड़ बनाए। प्रभु ने देखा अच्छा है। प्रभु ने जानवरों की सृष्टि की, देखा कि अच्छा है। प्रभु ने आकाश में उड़ने वाले पक्षी बनाए, प्रभु ने देखा अच्छा है। इस तरह से प्रभु ने एक एक करके प्रकाश से स्टार्ट करके जानवर सब कुछ बनाने के बाद जब सब कुछ तैयार हो गया तब पहले अध्याय के 26वें पद में हम देखते हैं प्रभु ने कहा हम मनुष्य को बनाएं। इसमें विशेष बात जो हमको समझनी चाहिए वो एक तो ये कि यह संसार प्रभु की रचना है, नंबर दो प्रभु ने जो कुछ रचा या जो कुछ सृष्टि की उसमें सबसे आखिर में मनुष्य को बनाया, उसके पहले रोशनी बनाई, पेड़ पौधे बनाए, फल बनाए, जानवर बनाए, पक्षी बनाए, सब कुछ बनाया, उसके बाद मनुष्य की सृष्टि की, इसलिए कि प्रभु एक स्नेही, प्रेम करने वाले प्रभु हैं। कई बार लोगों को लगता है कि ईश्वर कोई राक्षस है जो मनुष्य को सिर्फ सजा देने के लिए डंडा लेकर बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। गलती की सजा देना जरूरी है, लेकिन ईश्वर प्रभु एक स्नेह करने वाले ईश्वर हैं, और जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को उनकी जरूरत से पहले ही जरूरत की बातों का इंतजाम करते हैं, प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि से पहले मनुष्य को जो कुछ चाहिए था सबकी सृष्टि की, और फिर प्रभु ने कहा कि अब हम मनुष्य की सृष्टि करते हैं। हमारा दिल कितना अधिक आभार से भरना चाहिए कि
कि प्रभु ने ये नहीं कहा कि हाँ मैंने तुम्हारी सृष्टि कर दी है, अब तुम पेड़ लगाओ, तुम जानवर पालो, तुम ये करो वो करो। नो, मनुष्य को जो कुछ चाहिए था प्रभु ने सब कुछ बनाया, 6 दिन में सब कुछ बनाया। चाहे तो प्रभु क्षण भर में कर सकते थे, लेकिन प्रभु की इच्छा थी कि प्रभु ने जो कुछ बनाया वो सब आपस में एक संतुलन, एक बैलेंस एस्टैब्लिश हो जाए। इसलिए प्रभु ने 6 दिन दिए, और क्योंकि प्रभु चाहते थे कि जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आए तो मनुष्य के पृथ्वी पर आने से पहले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, उसमें पूर्णता होनी चाहिए, मनुष्य को संघर्ष ना करना पड़े। इस तरह से प्रभु ने जब इस पूरे ब्रह्मांड की और इस पृथ्वी की और इस पृथ्वी पर जो कुछ है सबकी सृष्टि की, उसके बाद प्रभु ने कहा हम मनुष्य को बनाएं, मनुष्य की सृष्टि करें। वहाँ एक विशेष बात हम देखते हैं, प्रभु ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। मतलब ईश्वर की ये इच्छा थी कि जिस तरह से ईश्वर हर चीज़ को समझते हैं, हर चीज़ को जानते हैं, हर चीज़ पर नियंत्रण रखते हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, मनुष्य को सर्वशक्तिमान नहीं बनाया, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को शक्तिमान बनाया जिससे कि वह इस पृथ्वी की सारी पृथ्वी को नियंत्रण में ला सके। प्रभु ने मनुष्य को पृथ्वी पर नियंत्रण के लिए जो शक्ति दी है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है आज मैं और आप, जिस कृत्रिम रोशनी, जिस लाइट में बैठे हुए हैं। मेरा जो अपना बचपन है इस केरल में, वो जिस गांव में था वहाँ पर 5 बजते ही दिया बत्ती जलाते थे मिट्टी के तेल से, क्योंकि बिजली नहीं थी। पहली बार उस गांव में बिजली आई जब मैं 4 साल का या 5 साल का था। पहली बार जब रेलगाड़ी आई तो रेलगाड़ी का इंजन हमारे घर के आसपास वो लोग रोक देते थे जिससे गांव वाले आके देख सके कि ये क्या चीज़ है। मुझे अभी भी याद है। आज स्थिति ये है कि इस कमरे में 1 दर्जन ट्यूबलाइट लगे हुए हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के लिए जो लाइट मेरी दहनी ओर है इसके अंदर 180 छोटे बल्ब हैं जो पीली और सफ़ेद रोशनी दे रहे हैं जिससे ये रिकॉर्डिंग स्पष्टतया देखा जा सके। प्रभु ने मनुष्य को ये शक्ति दी कि वो इस पृथ्वी पर जो जीवित है और जो जीवित नहीं है सब चीज़ों पर नियंत्रण करे और उनका उपयोग अपनी ज़रूरत के अनुसार करे। ये रोशनी जब हम देखते हैं जिसने रात को दिन बना दिया है, और आज रात को हम 7:45 अंधेरे में इतनी रोशनी के साथ बैठकर जो कर रहे हैं, ये मीटिंग जो अटेंड कर रहे हैं, इसमें हमें याद रखना चाहिए कि आज से 6,000 साल पहले जब प्रभु ने मनुष्य के बारे में बोला कि तुम इस पृथ्वी पर अधिकार रखो, तो 6,000 साल मनुष्य ने जो रिसर्च किया है उन सब का रिजल्ट हम सब भोग रहे हैं। जैसा प्रभु ने कहा था एग्जैक्टली वैसा ही मनुष्य के साथ हो रहा है। प्रभु ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाएं, सर्वशक्तिमान नहीं बनाए लेकिन शक्तिमान बने, उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार प्रभु ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। प्रभु की कैसी असीमित कृपा है, और इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जीवन में दुख होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, लेकिन इन सब के बावजूद हमको प्रभु ने एक विशेष उद्देश्य के साथ बनाया है, और यदि हम प्रभु के ऊपर आश्रित रहें तो जीवन की परेशानियां, जीवन की पीड़ा, जीवन में जो उपद्रव है, जो परेशानी, उन सब के बावजूद प्रभु का वो अनुग्रह आएगा, जरूर आएगा, और हम उस अनुग्रह को अच्छी तरह से अपने जीवन में देख सकेंगे, महसूस करेंगे। प्रभु ने हमको इस पृथ्वी पर नियंत्रण करने के लिए बनाया है, और जब हम इस पृथ्वी पर नियंत्रण करते हैं उसके साथ साथ जब प्रभु पर
आश्रित होकर जीवन बिताते हैं तो पृथ्वी की तरफ से जो अनुग्रह हमको मिलना है वो एक तरफ से मिलता है, प्रभु की तरफ से जो अनुग्रह मिलना है वो दूसरी तरफ से मिलता है। इन दोनों का एक दूसरे के साथ होना जरूरी है। उसी में आगे हम पढ़ते हैं, एक विशेष स्टेटमेंट है जो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। प्रभु ने उनको अनुग्रह दिया, उनसे कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों आकाश के पक्षियों पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मनुष्य के रूप में जन्म लेना कोई छोटी बात नहीं है। कई बार हम जब छोटी मोटी परेशानियां या बड़ी परेशानियां देखते हैं तब हमको लगता है कि अरे काहे को जन्म लिया। हम ये भूल जाते हैं कि एक बहुत ही बड़े बहुत ही ऊंचे उद्देश्य के साथ प्रभु ने हमारी सृष्टि की है, और जीवन में ये जो परेशानियां और दर्द जो आते हैं उसके कारण हमको निराश नहीं होना है, बल्कि बार बार प्रभु के वचन में वापस जाके ये देखना है कि प्रभु का वचन हमारे जीवन के लक्ष्य के बारे में हमको क्या बताता है, और वो लक्ष्य हमारे जीवन में पूर्ण हो उसके लिए ये परेशानियां ये मुसीबत इसके बीच में मुझे क्या करना है। और जो करने के लिए प्रभु ने बताया है जब हम उसके अनुसार अपने जीवन बिताएंगे तो हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी होगी, और जब जीवन प्रभु की इच्छा पूरी होगी तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। यह है बाइबल के अनुसार सृष्टि का विवरण। और फिर प्रभु ने मुड़ के अपनी सृष्टि को देखा और प्रभु के वचन में लिखा है तब प्रभु ने जो कुछ बनाया था सबको देखा। क्या देखा? कि वो बहुत ही अच्छा है। तब संध्या हुई, भोर हुआ, छठवां दिन। इस तरह से प्रभु ने इस सारे विश्व की रचना 6 दिन में इसलिए कि मनुष्य को अनुग्रह दे सके, और मनुष्य को सबसे पहले बनाने के बदले सब कुछ बनाने के बाद मनुष्य की सृष्टि इसलिए कि प्रभु अपना सर्वोत्तम मनुष्य को देना चाहते थे। माँ बाप इस बात को जानते हैं कि वे अपने बच्चों को हर बात में सर्वश्रेष्ठ बातें देना चाहते हैं। कई बार उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता है लेकिन बच्चे को सबसे अच्छा कपड़ा देते हैं, पहनने के लिए चप्पल नहीं होता है लेकिन बच्चे को सबसे अच्छा जूता दिलाते हैं। यदि मनुष्य ऐसा करता है तो सर्वशक्तिमान प्रभु वो मनुष्य की तुलना में कितने ही लाखों हजारों करोड़ों गुना ज्यादा मनुष्य की अच्छाई के लिए सो। इसीलिए प्रभु ने सृष्टि पहले की और उसके अंत में मनुष्य को बनाया। यदि आपके जीवन में किसी तरह का दर्द है, किसी तरह की परेशानी है, अकेलापन है, या जीवन में यदि किसी ने आपको धोखा दिया है, निराश ना हो। इस बात को याद रखें कि प्रभु ने आपकी सृष्टि इन चीजों के लिए नहीं की है। प्रभु सदा सर्वदा आपके साथ हैं, आपको देखते हैं। आपका जीवन प्रभु के सामने खुला, बिना पर्दे के खुला हुआ है। आपकी जिम्मेदारी है कि प्रभु के पास जाकर प्रभु से विनती करें कि प्रभु मुझे आपने इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा कि आप अपना अनुग्रह मुझे दे सकें, लेकिन मेरे जीवन में फलानी फलानी परेशानी है, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। और तब प्रभु आपको रास्ता बताएंगे कि आपको किस दिशा में जाना है। जब प्रभु ने देखा कि सब कुछ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा ही है, और यदि मेरे और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है तो उसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां पापियों की भरमार है। दूसरा कारण यह है कि मेरे आपसे कुछ गलती हुई है। तीसरा कारण यह हो सकता है कि प्रभु हमको शेप देना चाहते हैं, प्रभु हमको एक रूप देना चाहते हैं। आपने खुद देखा है, बढ़ई जब लकड़ी को शेप देता है, घूमती हुई लकड़ी को बहुत ही सुंदर शेप देते हुए, मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा। मैं तो बचपन में देखता था तो खड़े होकर घंटों देखता था,
एक प्लेन लकड़ी का टुकड़ा वो उठाकर वो अपनी मशीन पर फिट करके, वो मशीन पे वो लकड़ी जब घूमने लगती है, बड़े ही क्या करता है, एक तेज औजार लेकर उसकी धार को उस लकड़ी पर रखता है, और वो लकड़ी जो बिना आवाज के घूम रही थी उसमें से खीं आवाज निकलती है, वो धारदार औजार उस लकड़ी को काटता है, लेकिन काट के टुकड़े नहीं करता है, काटने के पीछे एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। वो जो प्लेन लकड़ी का टुकड़ा था, दो मिनट में आपके सामने एक शेप ले लेता है। चार मिनट और आप इंतजार करेंगे तो बहुत ही सुंदर डिजाइन उस लकड़ी में आ जाता है। उसके बाद जब वो उस हथियार को हटा देता है तो आवाज बंद हो जाती है। इससे हमको ये समझना चाहिए कि किसी बेडॉल चीज को लेकर उसको एक शेप जब सृष्टिकर्ता देता है तो दर्द तो होता है, रोने की आवाज हमारे मुंह से, हमारे मन से निकलती है, लेकिन यदि हम प्रभु पर आश्रय रखें तो प्रभु ने अपने वचन में जो बोला था, प्रभु ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। यहां पर बात समाप्त नहीं हुई। दूसरे अध्याय में हम एक चीज देखते हैं, प्रभु ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका, एक बगीचा लगाया। वहां आदम को, जिसकी प्रभु ने सृष्टि की थी, उसको रखा, और प्रभु ने भूमि से सब प्रकार के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। बाप रे, आपको खेती बाड़ी का शौक है क्या, बाग बगान का शौक है क्या? मुझे है, लेकिन अब तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वाइफ को शौक है, वो घर में इधर उधर पेड़ लगाती रहती हैं, उसका फल जरूर जो है मैं बहुत आनंद के साथ चट करता रहता हूँ। मनुष्य, कितनी जमीन है हमारे पास, जरासी जमीन है, उसमें उन्होंने तमाम पेड़ पौधे लगाए हैं, क्योंकि बागान, बगिया, फल के वृक्ष मनुष्य को बहुत आनंद देते हैं। जरासी जमीन पर उन्होंने जो पेड़ लगाए हैं उसमें से फल मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है, और यदि किसी का बहुत बड़ा, मान लीजिए 50 एकड़ की जमीन हो, उस पर वो क्या नहीं लगाएगा। ऐसे बड़े बागान मैंने बहुत देखे हैं। चंबल, जहां पर मेरा सारा जीवन बीता था, उसके आसपास बहुत सारे जामफल के बागान हुआ करते थे, और बचपन में हम बच्चों का शौक था इन बागानों में जाना। वहाँ जो माली थे वो बच्चों को बहुत खुशी से स्वीकार करते थे, बोलते थे देखो बेटा, अपने आप हाथ मत लगाना, जो चाहिए मुझे बताना, मैं तोड़ के दे दूंगा। यहाँ से तुम घर नहीं ले जा सकते, थैले में नहीं डाल सकते, लेकिन तुमको जितना खाना है खाने के लिए मैं दूंगा। बाप रे, हर जगह जामफल के पेड़, उससे टंगे हुए बहुत ही आकर्षक मीठे जामफल मन को कितना लुभा देते थे। यदि मनुष्य की बनाई हुई बगिया जिसमें सिर्फ एक फल है वो यदि हमारे मन को ललचा सकता है, तो सृष्टिकर्ता ने 6 दिन की सृष्टि के बाद अपने बच्चों को रखने के लिए अदन नाम की जो वाटिका बनाई थी, क्या बगिया होगी। प्रभु के वचन में ही लिखा हुआ है कि प्रभु ने भूमि से सब भांति के वृक्ष, हर तरह के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल अच्छे हैं उगाए। मतलब सिर्फ जामफल का पेड़ नहीं था वहां, तो एक से एक मनोहर पेड़ जिसके फल देखने में एक से एक आकर्षक और खाने में एक से एक स्वादिष्ट बनाए। प्रभु ने रचना की, मनुष्य को वहां पर रखा। ये इस बात को फिर से हमको याद दिलाता है
कि प्रभु हमको हर तरह का अनुग्रह देना चाहते हैं। यदि हमारे जीवन में अनुग्रह हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो प्रभु की तरफ से नहीं है, गलती कुछ हमारी तरफ से है। तो प्रभु ने आज से हजारों साल पहले इस ब्रह्मांड की सृष्टि की, मनुष्य को बनाया, आदन नाम की का एक अति मनोहर बगिया गार्डन बनाया जिसमें मनुष्य के मन को देखते ही मोह लेने वाले फल, यहां लिखा है देखने में मनोहर, जिसका मतलब है देखते ही वो हमारे मन को मोह लेगा। खाने में तो फिर हम सोच सकते, यदि देखने में वो फल हमारे मन को मोह लेता है तो खाने में क्या होगा। एक काम और प्रभु ने किया, वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। प्रभु ने जब एक से एक मनोहर वृक्ष उस बगिया में लगाए तो उसके बीचों बीच दो पेड़ और लगाए, एक जीवन का पेड़, जीवन का वृक्ष, जिसके बारे में बाइबल में आगे हम पढ़ते हैं कि उसको जो खा लेगा वो कभी नहीं मरेगा। बाप रे, इस तरह का कोई वृक्ष हो तो कितना अच्छा होगा। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, दो पेड़ लगाए। इसमें जीवन के वृक्ष के बारे में तो हम पढ़ते हैं कि ये दोनों वृक्ष बाद में लुप्त हो गए, प्रभु ने जानबूझकर उनको लुप्त किया, लेकिन ऐसा समय आएगा जब जीवन का वृक्ष फिर से लगेगा जिसका फल हमको उपलब्ध होगा, लेकिन वो एक अलग कहानी है। और भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने मनुष्य को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। एक्चुअली काम क्या था, प्रैक्टिकली कोई काम नहीं था। जब प्रभु ने गार्डन लगाया है तो वहां प्रभु ने उसके लिए सब इंतजाम किया था। आगे हम पढ़ते हैं कि इवन पानी देना नहीं पड़ता था, जमीन से पानी कोहरे के समान निकल कर उस पूरी बगिया को सींच देता था, कुछ नहीं करना पड़ता था उसको, तो सिर्फ इतना करना था खाओ पियो मौज करो। और प्रभु जब संगति के लिए आते हैं तब प्रभु के साथ संगति करो। इतने अनुग्रह से भरा हुआ जीवन हम सोच भी नहीं सकते हैं, ना तो मेहनत करना, ना मजदूरी करनी, ना स्कूल जाना, ना कुछ करना, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ऐसी एक बगिया में प्रभु ने मनुष्य को रखा, एक आज्ञा दी, प्रभु ने आदम को आज्ञा दी कि तू इस बगिया के सब वृक्षों का फल बिना रोक टोक के खा सकता है, लेकिन भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष उसका फल तुम कभी मत खाना। देखिए, इवन जीवन का जो वृक्ष है उसका फल मनुष्य खा सकता था और खाने के द्वारा वो चिर स्थायी जीवन पा सकता था, लेकिन एक पेड़ के बारे में प्रभु ने कहा उसको मत खाना। क्यों कहा, देखिए माँ बाप जब बच्चों को कोई काम मना करते हैं तो हमेशा उसका कारण नहीं बताते, बच्चा उसका कारण समझने के लायक नहीं होता है कई बार। हम जब ठंड के दिनों में, अति भयानक ठंड में पानी गर्म करते थे तो बाल्टी में पानी ला के रख दिए, उन जमाने में प्लास्टिक की बाल्टियाँ ज़्यादा नहीं होती थी, अब तो बहुत आसान हो गया है। मैं आज से 32 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उसमें इमर्शन रॉड डालते थे पानी गर्म करने के लिए, बेटे से हमेशा बोला करते थे कि उसके पास मत जाना। उससे ज़्यादा उससे आप क्या बोल सकते हैं कि बेटा इसमें बिजली है, बिजली तुझे झटका देगी। 3 साल का बच्चा बिजली क्या समझे, झटका क्या समझे, वो हमेशा जाके इमर्शन रॉड को ऊपर उठा लेता था, एक बार सीधे सीधे जाके उसने पानी में हाथ डाल दिया और ऐसा झटका लगा कि वो वहां खड़े होकर रोने लगा, डैडी 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 मुझे झटका लगा। मैं कभी नहीं भूल सकता, हाँ झटका लगा तो जीवन भर के लिए झटका लगा, उसके बाद कभी जो है इमर्शन रॉड वाले पानी में उसने हाथ डालने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैंने उसको क्यों नहीं बताया, मैंने सिर्फ मना किया इसलिए कि 3 साल का बच्चा क्या समझेगा, अब बोलो भी कि झटका लगेगा तो बच्चा थोड़ी वो मानेगा कि झटका लगेगा, वो तो प्रयोग करके देखेगा। लेकिन आदम बच्चा नहीं था, आदम को प्रभु ने
परिपक्व व्यक्ति के रूप में बनाया था। आदम की पत्नी हव्वा को परिपक्व मैच्योर व्यक्ति के रूप में बनाया था, क्योंकि जब हव्वा को लेकर प्रभु उसकी पत्नी को लेकर आदम के पास आए तो देखते ही आदम ने कहा, अरे ये तो मेरे शरीर का शरीर है, ये मेरे मांस का मांस है, ये मुझसे निकाली गई है, इसका नाम हव्वा होगा। इतना ज्ञानी था आदम। इतना ही नहीं, मैंने आज बहुत जल्दी से एक इतिहास आपको सुनाया है, सारी पृथ्वी पर जितने जानवर थे उन सबको आदम ने नाम दिए थे। तो आदम तो बहुत मैच्योर था। उस मैच्योर व्यक्ति से प्रभु ने कहा कि देखो, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल मत खाना। उससे ज़्यादा प्रभु ने कुछ नहीं बताया, प्रभु के अपने तौर तरीके। लेकिन प्रभु ने एक और बात बताई, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। आदम को क्या चाहिए था? देखिए, एकदम से स्वस्थ ईश्वर की सृष्टि, मनुष्य जो सोच नहीं सकता, इतनी बड़ी बगिया, हर जगह फल, जानवर जो मनुष्य के साथ मेल मिलाप के साथ रहते हैं और हर दिन प्रभु मनुष्य से वार्तालाप के लिए आया करते थे, बीचों बीच जीवन का वृक्ष लगा हुआ है। भैया ये हजारों प्रकार के पेड़ों में से फल खाओ, जीवन के वृक्ष का फल खाओ, लेकिन इसको मत खाओ। मनुष्य ने क्या किया? तीसरे अध्याय के शुरू में हम देखते हैं, जितने जंतु प्रभु ने बनाए थे उसमें से सर्प धोखेबाज था। ये यहाँ जब अपन बाइबल पूरी तरह से पढ़ते हैं तो उससे ये बात पता चलती है कि सांप के रूप में या सांप के शरीर में प्रवेश करके शैतान, जो हमेशा परमेश्वर से बलवा करता है, विरोध करता है, वो आया था। उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना है? देखने में कितना अच्छा लगता है ना? हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ अक्सर दोपहर के समय कॉल बेल बजता है, जब बाहर निकलते हैं तो बड़े अट्रैक्टिव हैंडसम लड़के या लड़की खड़े रहते हैं, हाँ सर गुड आफ्टरनून, उनके मुंह से जो है शहद टपकता है। मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। एक औसत व्यक्ति तो उस वाक्य को सुन के बिल्कुल उसके सामने गिर पड़ेगा, अरे बाप रे, मुझ जैसे ऑर्डिनरी व्यक्ति के दर्शन के लिए आया है। ये हजारों साल से ये तंत्र प्रयोग में आ रहा है, जाकर मीठी मीठी बात करो, सामने वाला आपके सामने गिर जाएगा। तो शैतान ने सांप के शरीर में प्रवेश करके आके कहा, क्या ये सच है कि किसी भी पेड़ का फल ना खाना? देखिए उसमें बड़ा धोखा है। जब इस तरह से आप प्रश्न पूछेंगे तो नेचुरल है वो जवाब देगी कि नहीं 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 ऐसा नहीं है। ऐसा ही हुआ। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं। प्रश्न ही ऐसा था कि उसका जवाब देने के लिए उसको ट्रैप कर दिया, फंसा लिया। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसका उसके फल के विषय में प्रभु ने कहा है कि उसको ना तो तुम खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से आकर प्रश्न पूछकर उस स्त्री को बोलने के लिए उसने मजबूर किया। और एक बार आप उससे बोल देंगे तो उसके बाद तो फिर वो आपको नियंत्रण में ले लेगा। जो घंटी बजा के जो जवान लोग आते हैं, एक बार आप उनसे बातचीत में लग जाइए 10 मिनट में, आपके घर में मसाले के 50 पैकेट होंगे, 51वां पैकेट भी वो आपको पकड़ा जाएगा। यही हुआ। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। क्या मतलब? मेरी गारंटी है मैडम कि प्रभु ने कहा होगा कि तुम मर जाओगे, लेकिन तुमको कुछ नहीं होगा। मेरी गारंटी है। निश्चय का मतलब मैं गारंटी देता हूं नहीं मरोगे।
प्रभु लिखा है, प्रभु स्वयं जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, मतलब तुम ज्ञानमान हो जाओगे और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर ईश्वर के तुल्य हो जाओगे। ईश्वर की सृष्टि कभी ईश्वर के तुल्य हो सकती है क्या? नहीं। लेकिन जो भी गारंटी देता है वो गारंटी ऐसे ही देता है कि बस हम गिर जाएं। जब वो बेचने वाला आता है वो कहता है, मैडम हमारा ये प्लास्टिक का कनस्तर ले लीजिए, इसमें आप खाना बना के रखेंगे तो रेफ्रिजरेटर की भी जरूरत नहीं है, हफ्ते हफ्ते खाना इसमें रहेगा। मैं तो 4 हफ्ते पुराना चपाती खा रहा हूँ जो इसमें मैंने रखा है। वो झूठा, आज शाम की चपाती के लिए उसे होटल जाना पड़ेगा, लेकिन आपको बता रहा है कि 4 हफ्ते से प्लास्टिक के उस कनस्तर में रखता है। जो झूठ बोलता है वो हमेशा छोटे मोटे झूठ नहीं, बड़े लंबे चौड़े झूठ बोलता है। सांप ने कहा कि अरे ईश्वर जानते हैं तुम नहीं मरोगे, तुम तो ईश्वर के समान हो जाओगे। हव्वा पहले पुरुष की पत्नी कोई ऑर्डिनरी स्त्री नहीं थी, वो एक ऐसी स्त्री थी जिसने प्रभु को फेस टू फेस मुखामुख देखा था, क्योंकि प्रभु रोज शाम को उस बगिया में आकर आदम और हव्वा के साथ चर्चा करते थे। आदम तो इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, इतना ज्ञानी था कि उसने तो सारी पृथ्वी के जानवरों को, जीव जंतुओं को नाम दिया था। उस व्यक्ति को जब प्रभु ने एक पत्नी दी तो स्वाभाविक है कि वो पत्नी भी उतनी ही बुद्धिमती होगी। लेकिन गलत बात, यदि हमको जिस बात से दूर रहना चाहिए उस बात को हम अपने जीवन में आने देते हैं तो उसका फल ऐसा ही होता है। आगे हम देखते हैं बाइबल में लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, अरे खाने से पहले तुमको कैसे मालूम कि वो अच्छा है? प्रभु ने मना किया था इस कारण कभी उन्होंने खाया नहीं है। यहां लिखा है उसने देखा कि खाने में अच्छे, कैसे देखा? फल देखने से कुछ पता चलता है क्या कि वो खाने में अच्छा है? दुनिया के सबसे जहरीले फल जो होते हैं वो तो देखने में एक से एक आकर्षित होते हैं, तो देखने में पता चल गया कि उसको फल अच्छा है। जिस व्यक्ति से हमको बात नहीं करनी चाहिए, जिस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, उस तरह की बात जब हम करने जाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जो नहीं करना है वही हम करते हैं, जो सोचना नहीं चाहिए वही हम सोचते हैं, हमारा सोचना ही इतना गड़बड़ा जाता है कि हम उल्टा सोचते हैं। खाने में अच्छा, देखने में मनभाव, हाँ ये सही है, देखने में आकर्षक है, लेकिन खाने में अच्छा उसको कैसे मालूम? बुद्धि देने के लिए चाहना, अरे उस तुमको कैसे मालूम कि बुद्धि मिलेगी? ये सब ब्रेन वॉशिंग था। फल देखने से, कल यदि मैं आपसे बोलूं कि तरबूजा ले जाओ खा लो और तुम बुद्धि राक्षस हो जाओगे तो आप मानेंगे क्या? देखने से थोड़ी पता चलता है कि फल खाने से बुद्धि आ जाएगी या स्वादिष्ट होगा। जो बात नहीं करनी चाहिए थी, जो संगति नहीं करनी चाहिए थी, जिस व्यक्ति की बात नहीं सुननी चाहिए थी वो सुनने गई और उसने जो उसको ब्रेन वॉश किया बिल्कुल उल्टा पाठ पढ़ा दिया और वो उल्टा सोचने लगी। क्या लिखा है? उसने उसमें से तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। दुनिया के सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्ञानवान 2 लोगों ने अनावश्यक संगति, अनावश्यक बातचीत के कारण जो नहीं करना था वो किया। मैंने कई बार यहां पर इस पुलपिट से आपको बताया है, मनुष्य पापी है, पाप का आरंभ वहां हुआ। बाइबल बताती है पाप का आरंभ अदन की वाटिका में तब हुआ जब मनुष्य ने उस निषिद्ध फल को खाया, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया। बाइबल में आगे हम पढ़ते हैं, तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए। उनकी आंखें खुल गई, उनको पता चला कि वो नंगे हैं। तो अभी तक वो अंधे थे क्या? अभी तक उनको अपना शरीर नहीं दिख रहा था क्या?
ऐसा नहीं है, वो लोग अंधे नहीं थे, उनको अपनी नग्नता दिखती थी। लेकिन प्रभु ने जब मनुष्य को बिना वस्त्र के सृष्टि की, तब उसकी सृष्टि इस तरह से की कि जैसा प्रभु ने उसको बनाया है वो उसके बारे में खुश है, संतुष्ट है, और मन में किसी तरह की ग्लानी, गिल्ट नहीं है। लेकिन जिस क्षण उन्होंने प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन किया, उस क्षण प्रभु ने जिस चीज को देखा था कि वो अच्छा है, उसके बारे में उनके मन में ग्लानी, शर्म, भय भर गया, और तुरंत जाके अंजीर के पत्तों से अपने लिए लंगोट बना लिया। अरे अंजीर के पत्ते कितनी देर रहेंगे? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने जब सृष्टि की तो सर्वोत्तम सृष्टि की, बगिया लगाया, सर्वोत्तम बगिया लगाई, फल दिए, सर्वोत्तम फल दिए, उसके बीच में जीवन के वृक्ष का फल लगाया, उसको प्रभु ने मना नहीं किया। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया, उसको मना किया। अरे तोड़ना ही था तो जीवन के वृक्ष का फल तोड़कर वो खाते, उसको हाथ नहीं लगाया। शैतान की बातों को सुनकर जो गलत काम था वो किया, जीवन शर्म से भर गया, जीवन पाप से भर गया, और प्रभु ने जो कहा एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। उसी क्षण आत्मिक रूप से वे मर गए, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि जब प्रभु आए तो आदम प्रभु से भागकर छुप गया। कल तक जो प्रभु के आने का इंतजार करता था, आज जब प्रभु आए तो छुप गया। क्यों? प्रभु ने जिसको खुशी, आनंद और संगति के लिए बनाया था, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करके, काहे के लिए, एक फल के लिए उल्लंघन करके पापी बन गया था। इस कारण आदम से आज तक जितने लोग इस संसार में पैदा हुए हैं सब पापी हैं। रोमियो नामक पुस्तक 3:23 को यहाँ पर मैंने कई बार आपके सामने पढ़कर सुनाया है। सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से, प्रभु की महिमा से वंचित हैं। 3 आज मैंने जो कहा, जो इतिहास बाइबल से आपको बताया, मनुष्य का आरंभ आज से लगभग 6000 साल पहले अदन की वाटिका में हुआ था। सबसे पहले प्रभु ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसके बाद प्रकाश बनाया, उसके बाद इस सारी दुनिया में हम जो कुछ देखते हैं, जानवर, पशु पक्षी, समुद्र के जंतु और पेड़ पौधे सब बनाया। जब सब कुछ हो गया और हर एक बात को जब प्रभु ने देखा कि अच्छा है, उसके बाद प्रभु ने स्वयं एक बगिया, एक गार्डन लगाया, अपने आप नहीं पैदा हुआ। और मैं आपको ये बता रहा था कि जब मनुष्य जरा से प्लॉट पर गार्डन बनाता है तो वो कितना आनंद देता है। तो सृष्टिकर्ता प्रभु ने जब मनुष्य के लिए एक गार्डन बनाया तो कितना मनोहर होगा। और बाइबल कहता है कि मनोहर गार्डन था। प्रभु ने कहा सब खाओ, इवन जीवन का वृक्ष प्रभु ने जो लगाया उसका फल भी मनुष्य खा सकता था। एक जो प्रभु ने मना किया, जिसके कारण प्रभु ने नहीं बताया, जिस तरह से माँ बाप हर चीज का कारण बच्चों को बताते नहीं हैं, बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो माँ बाप के ऊपर विश्वास करके माँ बाप का कहना मानेंगे। आदम और हव्वा जो सबसे ज्ञानवान लोग थे, उनसे उम्मीद की कि वे लोग प्रभु की आज्ञा मानेंगे। 5 अनावश्यक व्यक्ति से अनावश्यक बात करने के कारण इतने ज्ञानी लोग पाप में फंस गए, मनुष्य पापी हो गया, और वहाँ से आज तक उस पाप का श्राप हमारे साथ है। मनुष्य को प्रभु ने मरने के लिए नहीं बनाया था। लेकिन मैंने वो जो कविता बार बार आपको सुनाई है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, जो इस दुनिया में आया है वो उसको जाना ही पड़ेगा, चाहे कितना धनवान हो, राजा कितना धनवान हो। रंक जो जिसके पास खाने के लिए भी नहीं है, फकीर जिसने सब कुछ छोड़ दिया है,
कोई नहीं रोक सकता है। यह सब कुछ उस लंघन से शुरू हुआ, और वो लंघन क्यों हुआ? जिसकी बात सुन, जिससे बात नहीं करनी चाहिए उससे बात की, जिसकी बात सुननी नहीं चाहिए थी उसकी बात सुनी, और उसके बाद अपनी स्वयं की बुद्धि पर भरोसा किया। तीन बातें हम यहां पर देखते हैं। प्रभु ने जो कुछ बनाया सब सर्वोत्तम था। मनुष्य ने अपने स्वयं की इच्छा से प्रभु के साथ बलवा किया, लेकिन इसी इतिहास को जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु ने आदम और हव्वा को बुलाया, अंजीर के पत्ते से उन्होंने लंगोट बनाया। अंजीर का पत्ता कितनी देर रहेगा? यहां से वहां तक चलेंगे वो आपके बदन से टूट कर गिर जाएगा। प्रभु ने जानवरों की खाल से स्थाई वस्त्र बनाकर उनको पहनाया। तीन चीजें प्रभु ने जो बनाया सर्वोत्तम बनाया। मनुष्य ने प्रभु के साथ बलवा किया, पापी बन गया, लेकिन फिर से प्रभु ने मनुष्य के ऊपर दया दिखाई और उसको स्थाई वस्त्र कैसे बनाना है ये दिखाया, और उनको स्थाई वस्त्र दिया जो कई सालों तक जिसका वो लोग उपयोग कर सकते हैं। ये स्थाई वस्त्र इस बात का प्रतीक था कि देखो मैंने तुम्हारे लिए सर्वोत्तम बनाया, तुमने बलवा किया, लेकिन मेरी दया तुम्हारे ऊपर है यदि उस दया को तुम स्वीकार करने के लिए तैयार हो। एक श्लोक जो बार बार मैंने आपके सामने बोला है वो है, प्रभु ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए दे दिया, जिससे कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, शाश्वत जीवन पाए, कभी समाप्त ना होने वाला जीवन पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये तीन बातें मन में रखकर आज हम घर जाएं। प्रभु ने जो बनाया सर्वोत्तम बनाया, मनुष्य ने अपनी खुद की गलती से उसको खो दिया, लेकिन ये प्रभु की करुणा है कि इसके बावजूद प्रभु हमको सर्वोत्तम देना चाहते हैं। और उसका फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है, उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा जिससे प्रभु यीशु के द्वारा हम मुक्ति पा सके, उद्धार पा सके। मैं जब एक बच्चा था तब मैंने अपने फादर से ये बात पूछी कि डैडी स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं। मेरे फादर ने प्रभु के वचन से यही पद जो मैंने अभी आपके सामने जो सुनाया था पढ़ के सुनाया, और बोला कि बेटे प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए अपना जीवन सूली पर दिया, तुम यदि उसको मुक्तिदाता मान लोगे तो तुम नव जीवन पालोगे। उसी क्षण मैंने वहां घुटने टेक कर प्रभु का अपना मुक्तिदाता मान लिया। तब से मुझे इस बात का यकीन है कि जब मैं इस नश्वर शरीर को छोड़ जाऊंगा तब उसके बाद प्रभु मुझे एक शरीर प्रदान करेंगे जो अनश्वर है, जो कभी समाप्त नहीं होगा, और जिस शरीर में मैं प्रभु के साथ सदा सर्वदा रहूंगा। यहां हम जितने लोग एकत्रित हुए हम में से कई लोगों ने इस नए जीवन को पाया है, इसीलिए हम ये खुशी आपके साथ बांट रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपने अपने जीवन में यह नया जीवन नहीं पाया है तो आज इस नए जीवन को पा लें। इसके बारे में मीटिंग के बाद भाई जेफरी हैं, भाई मैथ्यूज हैं, और भी कई लोग यहाँ पर हैं जो आपको डिटेल्स बताएंगे किस तरह से इस नए जीवन को पा सकते हैं। जिन्होंने ये नया जीवन पाया है उनको फिर से मैं ये तीन बातें याद दिलाना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहन, आज परमेश्वर के वचन से जो इतिहास हमने पढ़ा है उसमें से तीन बातें याद रखें। प्रभु ने मनुष्य के लिए सर्वोत्तम बनाया, मनुष्य ने अपने खुद की गलती के कारण जो सर्वोत्तम था उसको खो दिया, लेकिन प्रभु की असीमित करुणा है कि प्रभु अपनी दया में हमको सर्वोत्तम देना चाहते हैं। उसका फर्स्ट स्टेप यह है कि हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें, इस जीवन में संघर्ष करते हुए जिएं, प्रभु के ऊपर आश्रय रखें जिससे प्रभु हमको जीवन के हर क्षण हमारी मदद करे,
जिससे कि हमको फिर से जिस तरह से वो बढ़ई शेप करता है सुंदर, उसी तरह से प्रभु हमारे जीवन के बचे खुचे 30, 40, 50 या 60 साल अच्छी तरह से शेप करके हमको अपने बच्चे, योग्य बच्चे बनाए, और फिर हमारा ये नश्वर शरीर हमसे लेकर हमें अनश्वर, कभी समाप्त ना होने वाला शरीर प्रदान करें, जिसके बाद हमेशा हमेशा सदा सर्वदा के लिए हम प्रभु के साथ रहें। मेरे जीवन में मेरी सबसे बड़ी आशा यह है कि मुझे ये अनश्वर शरीर मिलेगा, मैं प्रभु के साथ सदा सर्वदा रहूँगा। आपके जीवन में यदि आशा नहीं है तो आज उसका निश्चय कर लीजिए। जिनको ये आशा मिली है वो लोग इस बात को याद रखें कि आगे के 30, 40, 50 या 60 साल जो प्रभु ने आपको दिए हैं, इन सालों में बड़े ही जिस तरह से लकड़ी को शेप करता है, प्रभु आपको शेप करेंगे। और इसलिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और ये समझने की कोशिश करें कि प्रभु हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आज प्रभु ने इस तरह से हमको जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। ब्रदर स्करिया वर्गीज आगे आकर मलयालम में हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, ये भी इस चर्च के मुखियों में से एक है। प्लीज कम एंड क्लोज इन प्रेयर इन मलयालम।